एक बंदा नया आना चाहता है, वो बोल रहा है कि जो है ना हमने काम करना सऊदी अरेबिया में, कितनी सिलाई है क्या हिसाब था वो तक कि जिससे भी आप वीज़ा लोगे ना उससे ये कन्फर्म कर लेना कि वीज़ा। ये जी वाल शाल कटवा लिए और अभी जा रहे हैं रोम की तरफ माशाल्लाह ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज ये मैं छुट्टी और अभी टाइम हो जाता है 10 का, नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी हम सारा दिन जो है ना फारग है, कोई काम नहीं है। तो ये भाई बोल रहे थे मैंने कटिंग करवानी है तो वो जा रहे हैं अभी करवाने। और एक भाई रात को कमेंट कर रहे थे कि जो सिलाई का काम है वो कैसा है और कितनी वहाँ पर सैलरी होती है, वो सिलाई कितनी देते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह कवर करेंगे। और वीडियो का लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। ये जो है ना हमारा मेन रोड है, आगे वो दर्जी की दुकान है, उनसे पूछते हैं क्या सीन होता है फिर दिखाते हैं आपको। ये जी अभी हम पहुंच चुके हैं, ये दुकान है दर्जी की, ये काम करते हैं इधर। तो इनसे बात करते हैं क्या सीन है तो दिखाते हैं आपको। एक बंदा नया आना चाहता है, वो बोल रहा है कि जो है ना हमने काम करना है सऊदी अरेबिया में, कितनी सिलाई है क्या हिसाब था वो तक काम मिल जाता है काम सीजन सीजन पर। हाँ प्राइवेट बंदा सीजन है। सही है सही है। जेड़ा 12 महीने काम लगेगा ना जी जी ओदे तनु रेट नहीं लगेगा, रेट घट लगेगा। ठीक है। जिमे एक रेडीमेड काम होते ने। सही है सही है। वो तो पाकिस्तान दा निजाम ही उन्होंने पता होना है जी जी। जेड़ा रेडीमेड काम है ओदा रेट घट है। सही है सही है। जेड़ा सिविल दा काम है सही दुकाना दा ओदा रेट जेड़ा ना वो वध है। ठीक है ठीक। 12 महीने जेड़ा मदीने या जद्दे मक्के रेडीमेड काम लगदे ने सही उत्थे रेट घट है। अच्छा। तो स्पीड मार के दिहाड़ी बनाओ अपनी। ठीक है। जेड़ा काम है लोकल काम दुकाना दा जी जी एदा रेट वध है, लेकिन है सीजन दे सीजन। सही है सही है। सर्दियां दा सीजन आ गया, रमजान शरीफ दा आ गया, बकरईद दा आ गया। ठीक है। इंज दे सीजन नहीं जेकर कोई नवा बंदा आना चाहे इत्थे नवा आ जाए, नवा दर्जी है ते उनु तो टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे समझाने च। होवे दर्जी काम करदा होवे। सही है सही। जिन्ने सलवार कमीज उत्थे बना लई कट लई सी लई है ओदे वास्ते कोई मुश्किल ही कोई नहीं। सही है सही। फील्ड तो है ना उदी थोड़ी जी चेंजिंग है तो उत बंदे नु जी बिल्कुल है सही है तो टांका ही लाना ना। बिल्कुल है जी। बस ठीक है। उठा कपड़ा है। नहीं यार बार बार के भाई ने कपड़े जो है ना वो तो सिलाई करवा लिए और अभी जा रहे हैं कटिंग कराने, अभी देखते हैं क्या सीन होता है। और अभी जो है ना ये मूँगफली का दाना वो किधर गया, कितना बड़ा है, अभी इसको ओपन करते हैं। किया जी और ये इतनी बड़ी तकरीबन 2 पोटे का है, अगर हिसाब लगाए ना 2 पोटा ज़बरदस्त। स्माइल प्लीज। अच्छा ये जी वाल शाल कटवा लिए और अभी जा रहे हैं रूम की तरफ माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अभी जो है ना भाई ने कटिंग शटिंग करवा ली और अभी वापस आ चुके थे हम रूम की तरफ, और कुछ कपड़े हैं वो धोएंगे थोड़ी देर में, तो वो भाई भी लगे हुए हैं कपड़े धोने के लिए, उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े धोऊँगा। तो कपड़े हमारे वाश हो रहे हैं तो जल्दी से हम कपड़े वाश कर लेते हैं। और सिलाई के काम में जैसा कि हमने एंकर से बात की और उन्होंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया कि जो भी काम कर लेते हो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ एक चीज़ कि जिससे भी आप वीज़ा लोगे ना उससे ये कन्फर्म कर लेना कि वीज़ा आज़ाद है या क्या सीन है इसका, काम लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और बताते हैं और जब पाकिस्तान में कुछ और बताते हैं। तो ये अपने जहन में रख लेना कि जब आज़ाद आओगे ना तो किसी ऐसे बंदे से लेना जिनसे आपका अच्छा वाला रिश्तेदारी हो या समझ लें कि वो आपके जानने वाला हो, ठीक है ना। वैसे आप वीज़ा लोगे तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है। लोगों के साथ मेरा दोस्त है उसके साथ भी हुआ है, ठीक है। और ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ,
इंशाल्लाह मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, और जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।